सरदार
इंसान को शुऊर देते हैं, इदराक, शुऊर, फहम, जहालत से निकालने का जरिया इमाम हुसैन है, रोशनी में लाने का जरिया इमाम हुसैन है, दिल को तारीकी से निकालकर नूरानी करने का जरिया इमाम हुसैन है, गलत और सही रास्ते में से सही के इख्तियार की तौफीक जिस रास्ते से मिलती है वो रास्ता हुसैन इब्न अली का रास्ता है, और जिस शख्सियत से मोहब्बत के नतीजे में इंसान गुनाहों की उस स्याही से अपने आप को आजाद करा सकता है वो हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है। लिहाजा हमें तो कहा गया हम सबको कि तौबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, आप सब अपने तमाम अमाल में, हम सबको पाबंद किया गया है कुरान में कि हमेशा तौबे की हालत में रहो, हमेशा इस्तगफार करो। आपने नबी करीम की वो रिवायत सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद एक दिन में कम अज कम 70 बार इस्तगफार फरमाया करते थे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा करते थे। तो हमें भी ये हुक्म है कि हर रोज तौबा करो, हर रोज इस्तगफार करो। पता नहीं निगाहों ने क्या गलतियां की हो, कानों ने कौन से गुनाह अंजाम दिए हो, दिल में कौन से गलत ख्याल आए हो, ज़बान ने कौन से गलत जुमले कहे हो, दिल में किस किस तरह के वसवसे पैदा हुए हो, दिमाग किस किस तरह के वसावस का शिकार रहा हो, हाथ ने किस किस काम को अंजाम देकर अल्लाह की नाफरमानी की हो। लिहाजा हर पल इस्तगफार की कैफियत में रहना एक मुमिन की अलामत में से एक अलामत है। लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा, हमारे उरफा बयान करते हैं कि जब आप मजलिस हुसैन में तशरीफ फरमा होते हैं और मजलिस में बैठकर हुसैन इब्ने अली पर अपनी आंखों से गिरिया करके आंसू बहाते हैं तो ये आंसू अल्लाह की बारगाह में वही तौबा है और आपको पाक करता है। ये आंसू इसकी तासीर है हुसैन इब्ने अली के जिक्र में भी, हुसैन पहले की याद में भी, हुसैन पहले की मोहब्बत में भी, और हुसैन इब्ने अली से तवस्सुल में भी। ये तासीर है इसकी। हुसैन एक जिंदा हकीकत का नाम है, तारीख का नहीं। हुसैन इब्ने अली एक सद हिजरी की मजलूमियत की तारीख से इबारत नहीं है बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए हिदायत का चिराग भी है और उसका हाथ थाम कर गुमराहियों से निकालने का रास्ता भी है। इमाम अहमद इब्ने हंबल की एक रिवायत है फज़ाइलुस सहाबा में और बड़ी अजीब है, वो खुद ज़ाहिर अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम है, फकीह इमाम, चार उनके जो इमाम है उनमें से एक इमाम अहमद इब्ने हंबल, और उन्होंने किताब लिखी है सहाबा की फजीलतों पर। तो उसमें जिन जिन सहाबा का उन्होंने इंतखाब किया उनने इमाम हुसैन का भी तज़किरा किया है। वहां पर इमाम हुसैन के बाप में वो एक रिवायत दखल करते हैं, कहते हैं हुसैन इब्ने अली इस आलम में इतने मुअस्सिर हैं। तवज्जो है आपकी, आप खामोश तो नहीं, जरा मुझे जवाब दें, तवज्जो है। फरमाते हैं कि हुसैन इब्ने अली इस आलम में इतने मुअस्सिर हैं कि अगर कोई शख्स हुसैन इब्ने अली की मजलिस में बैठता है तो अल्लाह उसकी उस निशस्त में उसकी सांसों को अपनी बारगाह में तस्बीह शुमार करता है। शिया के पास तो बड़ी रिवायत है इस तरह की, सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और बाकी अइमा की बहुत रिवायत है इस तरह की, लेकिन एक अहले सुन्नत भी ये एतराफ करने पर मजबूर है कि हुसैन के जिक्र की मजलिस में बैठने का असर क्या है, क्यों इसकी हुसैन जिंदा हकीकत है। इसलिए
उन्हीं के हवाले से हमारे यहां रिवायात मौजूद है कि एक शख्स जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए एक कदम उठाता है तो उसके एक कदम के नतीजे में उसके गुनाहों में से एक गुनाह पाक हो जाता है और उसकी जिंदगी में एक हसना का इजाफा हो जाता है। इसलिए रिवायात है कि अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिर्फ एक सलाम करता है, एक सलाम, तो उसके उस एक सलाम के नतीजे में अगर उसके इखलास का लेवल वो हो तो सादिक़े आले मोहम्मद फरमाते हैं कि उसको एक कबूल शुदा हज का सवाब मिलता है। एक कबूल शुदा हज, जब साहिब इमाम से पूछा कि एक कबूल शुदा हज, फरमाया नहीं दस कबूल शुदा हज। जब ताज्जुब से पूछा दस कबूल शुदा हज, फरमाया नहीं सौ कबूल शुदा हज। जब पूछा ताज्जुब के साथ एक सौ कबूल शुदा हज, फरमाया एक सौ नहीं एक हजार कबूल शुदा हज। परेशान हुआ, खामोश रहा। जब खामोश हुआ तो इमाम ने फरमाया अगर तुम पूछते चले जाते तो मैं दर्जात में इजाफा करता चला जाता। वजह क्या है? ये दर्जात में मसलन किसी को एक, किसी को दस, किसी को सौ, किसी को एक हजार हज। हज आपको मालूम है क्या? भी कम से कम 14-15 लाख रुपया खर्च करके 40 दिन की सफर की सहूलतें बर्दाश्त करके मक्का जाकर उस गर्मी में जूते घिसाकर और तमाम तर तकलीफों के बाद एक अमल को अंजाम देता है तो हाजी कहलाता है। लेकिन उस हज की भी कबूलियत मालूम नहीं है, कबूल है या नहीं है। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए कोई शख्स इखलास के साथ उठता है और निगाह दौड़ाता है, सलाम करता है और आपकी जियारत करता है तो उसको इतना बड़ा अजर क्यों? सवाल है ना? ये सिर्फ रिवायत नहीं है बल्कि समझाने के लिए है कि देखो अगर हुसैन ना होते तो वो हज भी हज ना होता। उस हज को अगर किसी ने जान दी, अगर उस हज को किसी ने हयात दी, अगर किसी ने उस हज के अंदर नए सिरे से जान डालकर उसको अल्लाह के दीदार का जरिया बनाया तो वो खून हुसैन है और कुर्बानी हुसैन है। नारे हैदरी, ए हमारी दर्जगा करबला, करबला, ए हमारी दर्जगा करबला, करबला, पक्का सीधा रास्ता करबला, उसकी वजह यह है कि जिस शख्स की मारिफत का लेवल जो होगा अजर भी उसी हिसाब से होगा। जिसका मारिफत का लेवल सबसे नीचे है उसको एक हज है, एक हज का सवाब। जिसका उससे बेहतर है उसको दस है, जिसका उससे बेहतर है उसको सौ है, जिसका उससे बेहतर है उसको हजार है। लेकिन जो खुद हुसैन इब्ने अली से जुड़ने के बाद हुसैन के कदमों में अपनी जान देकर शहीद हो जाए उसको क्या अजर मिलता है? उसको फिर हज के सवाब का अजर नहीं मिलता, खुद हुसैन उसको मिल जाते हैं, खुद हुसैन मिल जाते हैं। और हुसैन का मिलना तमाम कायनात के मिलने से ज्यादा अहम है। इसकी अपनी मारिफत बढ़ाइए हुसैन इब्ने अली के हवाले से। हुसैन इब्ने अली की बारगाह में जब इंसान जाता है तो जो उसकी मारिफत का लेवल होता है उस हिसाब से उसको अता होती है। एक बच्चा जब आपके पास आता है, आपका 3 साल का बच्चा है, जब आपके पास आता है वो आपसे मांगता है, आपसे क्या मांगता है? वो ट्रॉफी, चॉकलेट, खिलौना, यही मांगता है। लेकिन अगर फर्ज करें
18 साल का जवान बैठा हो, वो क्या मांगेगा? वो फिर चॉकलेट और खिलौना नहीं मांगेगा, वो फिर अपने हिसाब से आपकी जरूरत मांगेगा। वो टैबलेट मांगेगा, वो मोबाइल मांगेगा, वो ऐसी चीज मांगेगा जो उसके लेवल का हो। लेकिन अगर एक 30 साल 35 साल का घबरू संजीदा पढ़ा लिखा और माशरे में जाओ दादा ऐसा बेटा हो तो वो आपसे क्या मांगेगा? वो उससे ऊपर की चीज मांगेगा, आपसे गाड़ी मांगेगा, आपसे घर मांगेगा। क्योंकि आपके पास ये गुंजाइश है देने की, तो आपको आपसे आपके लेवल के मुताबिक मांगेगा। इमाम हुसैन की मजलिस में हर चीज मिलती है, इमाम हुसैन की बारगाह से हर चीज मिलती है। ये डिपेंड करता है कि मांगने वाला किस लेवल का है। वो आया बच्चा है, नौजवान है, 25 साल जवान है, या 40 साल जवान है, या बूढ़ा है, मारिफत के किस लेवल पर है? जिस लेवल पर उसकी मारिफत होगी उसको अता भी उसी हिसाब से होगी। लिहाजा एक मादी इंसान पैसा मांगता है, एक मादी इंसान शादी मांगता है, एक मादी इंसान मुश्किलात से निजात मांगता है, एक मादी इंसान मुलाजमत मांगता है, कारोबार में बरकत मांगता है, एक मादी इंसान रिस्क और रोजी में इजाफा मांगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये चीजें न मांगी जाए, मांगनी चाहिए, क्योंकि मांगना उसी से है जो दे सकता है। और हुसैन इब्ने अली अल्लाह की जमीन पर वो हुज्जत है जो अल्लाह से लेकर मखलूक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसके हाथ में है। लिहाजा हमें हुक्म यह दिया गया है कि जब अल्लाह से मांगो तो अल्लाह से हत्ता अपने दस्तरखान की नमक भी मांगो। दस्तरखान में जो नमक रखते हैं वो भी मांगो, वो हकीकी चीज है, कम तरीन चीज है, वो भी मांगो। लेकिन सिर्फ नमक पर इक्तफा ना करो, सिर्फ ये नहीं कि बस सिर्फ नमक ही मांगो, नहीं, बल्कि अपना लेवल बढ़ाओ, अपने शुऊर का लेवल बढ़ाओ, अपने इदराक का लेवल बढ़ाओ, अपनी अटैचमेंट और राबते का लेवल बढ़ाओ, अपनी सोच और फिक्र की सतह को इतना बुलंद कर दो कि तुम्हें देखकर लोगों को हुसैन इब्ने अली याद आए। उस बारगाह से मिलती हर चीज रहा, कोई चीज वहां पर कम नहीं है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की उस कुदरत लायजाल से मुत्तसिल हस्ती है, और वो हस्ती है जो अल्लाह से राजी और अल्लाह इनसे राजी। या अय्युहा नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिक राजियतन मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कुरान ने कहा। और इस आयत के हवाले से मुफस्सिरीन ने अइमा अथहाब ने इसका अतम मिसदा काबिल तरीन मिसदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करार दिया कि नफ्स मुतमईना के मालिक जो अपनी शहादत के मौके पर जो सख्तरीन हालात है जिंदगी के, उस वक्त जब उनका सारा जिस्म जख्मों से चूर है और ताब नहीं है, ताकत खत्म हो चुकी है, खून बह चुका है, और एक ऐसे मौके पर वो शख्सियत जब अपनी पेशानी सजदे पर रखती है तो कहती है रिजन बेरजाक तस्लीमन लिअमरिक। वो शख्सियत जिसकी जिंदगी का हर कदम खुदा के लिए है, जिसकी जिंदगी का हर कदम खुदा के लिए हो, खुदा उसके लिए है। लिहाजा खुदा उसकी मर्जी देखता है कि ये क्या चाहता है। इरमान लिखा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हुसैन इब्ने अली उस रजा की आला तरीन उस मंजिल पर है जिस मंजिल पर कोई और फर्द बशर नहीं है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर नजरे लुत्फ शामिल हो जाए तो कायनात की कोई नेमत रुक नहीं सकती, मिलती है। अब देखना यह है कि मांगने वाला क्या मांगता है, उसकी सजा क्या है। वो बच्चा है खिलौना मांगता है, वो बच्चा है टॉफियां मांगता है, वो
हमारे मानता है या वो उस लेवल पर है कि उसको हुसैन चाहिए। लिहाजा अब अपने शूर का इम्तहान लेके हम कहां पर खड़े हैं। अगर हम बेहश्त के हवाले से आयात को देखें, आज वक्त नहीं है, खुदा मैं अर्ज करता आपसे कि जब जन्नत और जहन्नम की तस्वीर होती है और अहले जन्नत को जन्नत की तरफ और अहले जहन्नम को जहन्नम की तरफ भेजा जाता है तो कुरान बाज जगह ये कहता है कि अहले जन्नत को कहा जाएगा कि आओ जन्नत की तरफ, लेकिन वो नहीं आएंगे। फरिश्ते हैरान होंगे क्यों, मुहसिन कहते हैं वो चूंकि हुसैन इब्ने अली से जुड़े हुए हैं इसलिए उनकी जन्नत का नाम हुसैन है, उनकी बहिश्त का नाम हुसैन है, उनको वो असल वाला दूध की बहरों वाला दरख्तों वाला फल फ्रूट वाला होलू वाला वो बाग वो जन्नत नहीं चाहिए, उनको अपनी हकीकी जन्नत चाहिए जो कि हुसैन इब्ने अली है। लिहाजा अपने लेवल में इजाफे की जरूरत है, जितना लेवल बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा हमारी मारिफत गहरी होती चली जाएगी और हम जमीन से आसमान की तरफ प्रवास करते चले जाएंगे। सलावत है जनाब मोहम्मद वाले पर। इंसानी इस आलम में अल्लाह की वो नेमत है कि जिससे जुड़ने के बाद एक इंसान कभी भी नाकाम नहीं रहेगा और ये नेमत अल्लाह ने उनको दी है जिनके दिल पाकीज़ा हैं। अरे पता नहीं ना तब ना अब, इसे आप भी देखें करोड़ों इंसान हैं मुसलमान करोड़ों, लेकिन उन करोड़ों इंसानों में इश्क हुसैन कितने लोगों के अंदर आया, मोहब्बत हुसैन कितने लोगों के अंदर आया, और जिनके अंदर इश्क हुसैन है खुद उनके दरमियान उस इश्क का लेवल क्या है। बात वो है जिनके सामने जब हुसैन इब्ने अली का नाम आता है तो कुछ कहे बगैर उनकी आंखों से अश्क रवाना हो जाते हैं, और बात ऐसे जिनको रुलाने के लिए पूरे मसाइल करने पड़ते हैं, यानी लेवल है मार्फत का लेवल है। इसकी बात लोग तन्हाइयों में हुसैन इब्ने अली को याद करते हैं और ज्यारत आशुरा पढ़ते हैं अश्क बहाते रहते हैं, और बाद लोग मजालिस में आकर उनको रोने की तौफीक मिलती है, तन्हाइयों में रोने की तौफीक नहीं मिलती। ये उस मार्फत का लेवल है, इसकी मार्फत जितनी बढ़ती चली जाएगी उस इंसान का मकाम उतना बुलंद होता चला जाएगा, जितना उसका मकाम बुलंद होता चला जाएगा उसकी आरजू भी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, उसकी ख्वाहिशात भी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, उसके अरमान भी उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। मारिफत के साथ अरमानों का ताल्लुक है, मारिफत के साथ दुआओं का ताल्लुक है, मारिफत के साथ तलब का ताल्लुक है कि मैं क्या मांग रहा हूं। इसलिए जब हुसैन इब्ने अली किसी को मिल जाए तो उसको चाहिए कि हुसैन से हुसैन को मांगे और हुसैन से हुसैन के खुदा को मांगे। सलावत है जनाब मोहम्मद वाले पर। अल्लाह छोटी चीजों को उसी हद तक रखे न मिले कोई बात नहीं, हमारी मस्तहत ना हो कोई बात नहीं, आरजू बड़ी रखे, उमंग बड़ी रखे, फिक्र बड़ी रखे, अरमान बड़े रखे। दुआ ये हम क्यों न मांगे कि खुदाया
हमें हुसैन के सदके में हुसैन के जानिसार बनने की तौफीक दे, हुसैन के फजल महदी आखिर का सिपाही बनने की तौफीक दे, हुसैन के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर हुसैन की राह में इस्तकामत दिखाने की तौफीक दे, और हुसैन के दोस्तों के साथ खड़े होकर हुसैन के हदफ, हुसैन की तालीम और हुसैन के उन अहदाफ के लिए सर कटाने की तौफीक दे। ये हमारी आरजू और हमारे आरमान होने चाहिए। अगर कर्बला में देखें तो कर्बला में शबे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब की दुआएं आप देखें और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उन पर शफकत देखें तो आपको महसूस होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदमों पर वो आपके असहाब सर रखकर ये कहते नजर आते हैं कि मौला हम आपको इतना चाहते हैं कि अगर 1000 बार ये सर कट जाए, ये जिस्म जला दिया जाए, खाक उसकी उड़ा दी जाए, दोबारा हमें जवानी, दोबारा हमें जिंदगी मिले तो हम दोबारा आपके कदमों में जान दे, हमें लज़्ज़त मिलेगी, खुशी होगी। इसके लिए ये जो कुर्बानी है ये आपके लिए कुछ नहीं है और हम इसके लिए तैयार हैं। ये क्या है? ये वो आला तरीन आरमान है। इसका ताल्लुक की चीज है मारिफत हुसैन के तहरीज है। यही अपनी मारिफत का लेवल उस मकाम तक ले जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी न मांगे, मैं बार बार ताकीद कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कारोबार में बरकत न मांगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क और रोजी न मांगे, लेकिन उनका दर्जा उतना ही होना चाहिए जितनी उनकी जरूरत है। हम में से जितने भी लोग एक टाइम पर खाना खाते हैं तो अगले टाइम तक बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, हमारी हमारा पेट भर जाता है। तो वो जो खाना हम खाते हैं कितनी देर, 5 मिनट खाना खा लिया, अब सारी दुनिया का खाना आपके दस्तरखान पर रख दिया जाए, आप एक टुकड़ा खा नहीं सकते। हमारी जो जरूरत है वो इतनी सी है। अगर आपको मखमल का बिस्तर मिले या एक तख्ता मिले, जब नींद आ जाए तो सोने के बाद आपको न मखमल के बिस्तर पर पता चलता है कि आप कहां सोए हैं, न तख्ते पर पता चलता है कि आप कहां सोए हैं। नींद आ गई तो आपकी जरूरत पूरी हो गई, इतनी सी जरूरत है इंसान की। लेकिन हुसैन इब्ने अली हमेशा की जरूरत है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, उनके अलावा चारा नहीं है। लिहाजा उनसे जुड़ने के लिए अपने जहन के लेवल को ऊपर ले जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में जो भी परेशानी हो उनका दामन इंसान पकड़े, जो भी इंसान के जिंदगी के अंदर इज़्ज़ाब पैदा हो उनके दामन से मुतवस्सिल हो। तुम आप बहुत सारे लोग ज़ियारत पे गए होंगे, हुज़ैलिया कुम में इंकलाब का जो मरकज है वो कौन सा है? मरसे फैजिया। उनके बारे में उनकी सवाले उन्हीं में लिखा है कि वो जवान थे, इराक उनसे तकरीबन कोई 120-130 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है, वहां पर रहते थे, एक मदरसा चलाते थे। एक दिन रात में सोए तो नींद में किसी ने उनके कान में कहा कि शेख अब्दुल करीम 3 दिन बाद तुम्हारी वापसी है, अपनी तैयारी कर लो। 3 दिन बाद तुम्हारी वापसी है, अपनी तैयारी कर लो। नींद से उठे, समझ नहीं आई इस आवाज का मतलब क्या है। 3 दिन बाद जुमरात का दिन था, जुमरात के दिन उमूमन मदारिस में छुट्टी होती है, वो अपने मदरसे में छुट्टी की वजह से शागिर्दों और असातिज़ा को लेके कहीं पर आउट ऑफ सिटी चले गए, किसी बाग में खेती में थोड़ा आउटिंग कर ले, खाना वाना सब मिलकर खाए, पिकनिक मनाए, ताजा दम हो ताकि अगले दिन दोबारा 10 और मैच शुरू कर सके। जोर की नमाज पढ़ी, खाना खाया था तो तबीयत खराब हो गई, और जैसी तबीयत खराब हो गई गिर गए जमीन पर और जान बलब हुए। तब याद आया कि 3 दिन पहले उसने कान में कहा था कि तुम 3 दिन बाद तुम्हारी वापसी है, तैयारी कर लो। तब याद आया कि मैंने तो गफलत की है। अब कहते हैं कि मैंने फौरी तौर पर, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने फौरी तौर पर कहा मौला हुसैन मेरी जिंदगी
अभी बिल्कुल इब्तिदा में है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मुझे इतनी मोहलत चाहिए कि मैं कोई बड़ा काम आपके दीन के लिए कर सकूं, आपके मकसद के लिए कर सकूं, जिससे आपके मकसद को आपके दीन को फायदा हो, तो मुझे इतनी मोहलत लेकर दे दे कि मैं कोई बड़ा काम अंजाम दे पाऊं। ये कहा, अब लोगों के सामने वो आंखें बंद हुई, बेहोशी में चले गए, फोन घर लेकर आए। कुछ देर बाद देखा जान निकल गई है, उनको गुस्ल दिया, उनको कफन पहनाया, और उसके बाद जब हिलाने लगे, जब उठाने लगे, तो देखा उनकी सांसें चल रही है और महसूस हो रहा है कि उनमें जान है। फौरन खोला, देखा कि हाँ सांस है। फौरन उनको कफन से निकाला बाहर, बिस्तर पे लगाया। जब होश में आए तो पूछा क्या हुआ। कहा कि जब इसराइल आया उससे पहले मुझे चूंकि याद आ गया था, मेरे इमाम हुसैन इसका तो फ्रांस का किया नहीं होगा, मेरा हाथ पकड़े मुझे मोहलत दिलवाए, तो इसराइल जब आए तो उसने मेरी जान निकालनी शुरू कर दी, फारूक की तरफ से जान निकलती चली गई, और मैं उस अजियत और तकलीफ से गुजर रहा था। इस अस्ना में जो कि मैं पहले दुआ कर चुका था, मैंने देखा इसराइल के पीछे एक फरिश्ता आया, और उस फरिश्ते ने कहा ए इसराइल इनकी जान वापस दे दो। हुसैन इब्ने अली ने इनकी जान अल्लाह से वापस ले ली है। नारे हैदरी, नारे, नारे हैदरी, नारे, जिंदे क्या हुसैन, जिंदे क्या हुसैन, जिंदे क्या हुसैन, जिंदे क्या हुसैन, जिंदे क्या मेहदी, जिंदे क्या मेहदी, जिंदे क्या ज़हरा, जिंदे क्या ज़हरा, जिंदे क्या ज़ैनब, जिंदे जो फरिश्ते ने ये कहा तो इसराइल ने जान मुझे वापस कर दी और चले गए। तो कहते हैं तारीख में लिखा है कि 15 दिन वो बिस्तर पे पड़े रहे, वो जो जानकारी की तकलीफ की कैफियत थी, उस कैफियत की वजह से बदन इतना टूट चुका था कि 15 दिन इस्तराहत के बाद उनकी जान में जान आई और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने इराक छोड़ा, उनका रुख किया, यहां पर आए, मजीद तालीम भी हासिल की, और उसके बाद फिर इस मदरसे की बुनियाद रखी। आज वो मदरसा मदरसे फैजिया कहलाता है, जो इंकलाब की मां है और मरकज है। ये इमाम हुसैन की बरकत है, ये इमाम हुसैन का असर है। इमाम हुसैन कहां हाथ नहीं थामते, जहां आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यहां पर हो सकता है कोई हाथ न थामे, वहां पर हुसैन इब्ने आपका हाथ थाम है। जहां आप तसव्वुर करें कोई नहीं है, वहां पर हुसैन इब्ने अली है और हाथ थामते हैं। इसके लिए उनको ये मकान अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है। सलावत ए जनाब मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आपको मिसालें दूं ताकि समझ आ जाए कि हुसैन हमारे अंदर क्यों है, हमारे सामने है, हमारे नीचे है, हमारे ऊपर है, हमारे हर तरफ हुसैन मौजूद है। जब मैं कहता हूं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, तो वो जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, वो सुनते हैं, वो जवाब देते हैं। एक सलाम क्यों, इसलिए सलाम मुस्तहब है, लेकिन जवाब फर्ज है। आप अगर किसी को सलाम करें तो आपको एक सवाल हो, इसलिए आपने मुस्तहब अंजाम दिया, लेकिन अगर सामने वाला जवाब न दे तो वो मुजरिम है अल्लाह की बारगाह में, इसलिए उसने वाजिब काम छोड़ा है। सलाम का जवाब वाजिब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, इसलिए हम इमाम रज़ा की ज़ियारत में, बाकी आइमा की ज़ियारत में जहां पर इज़्ज़त दुखूल पड़ते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, इज़्ज़त दुखूल पड़ते हैं, जब हम हराम में जा रहे हैं तो वहां पर पढ़ते हैं कि अशहदु अन्नक तस्मउ कलामी व तरा मकामी व तरुद्दु सलामी, मैं गवाही दे रहा हूं
कि जब मैं कहता हूं अस्सलामु अलैक, जब मैं सलाम करता हूं तो आप सुनते हैं तस्मरो कलामी, आप सुनते हैं वो तरा मकामी, जहां पर मैं खड़ा हूं इसको आप देखते हैं वो तरुण सलामी, और जब मैं कहता हूं अस्सलामु अलैक तो आप उधर से जवाब मुझे देते हैं, लेकिन मेरे कान नहीं सुनते क्योंकि मेरे कानों पर पर्दा है, आप तो जवाब देते हैं। तो क्या सिर्फ जरीफ के सामने सलाम करने से वो जवाब देते? नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप सलाम करें, सलाम पहुंचता भी है और जवाब आता भी है, इसलिए वो हई है, वो जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी की नौयत वो है जिसको अल्लाह ने कहा कि ये जिंदा है। नौयत हमारे बदन की जिंदगी से मुख्तलिफ है, लेकिन जो देखते भी है, सुनते भी है और जवाब देते भी है। इसलिए जहां इंसान किसी परेशानी में मुब्तला होकर सिद्के दिल से हुसैन इब्ने अली को पुकारे, वहीं पर उनका जवाब आता है, वहां पर वो अपना हाथ आपके हाथ में देते हैं और आपको थाम कर उस मुश्किल से बाहर निकालते हैं। इसलिए इस चीज को हमारे पावर, हमारे यकीन और हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास एक ऐसे हुसैन इब्ने अली है, एक ऐसे इमाम है, एक ऐसे पेशवा है। इसलिए ये जो आजादारी की मजालिस है, ये सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो मौजूद है और सुनते हैं। यही वजह है कि इन आजादारी की मजालिस की कदर और कीमत बहुत ज्यादा बयान की गई है, यही वजह है। इसलिए बात रिवायात है, काबिल ज़ियारत मौजूद है, काबिल ज़ियारत इब्न कुरैज़ी की किताब है, इब्न कुरैज़ी मुतबतरीन उलमा में से है, और ज़ियारत और इमाम हुसैन से मुतालिक जितनी भी चीजें अहले बैत से मनकूल है काबिल ज़ियारत ने उन्होंने बयान की है। तो उन्होंने एक जगह वो ये हदीस बयान करते हैं, कहते हैं कि जब कोई मजलिस कहीं पर मुनक़िद होती है तो उस मजलिस में जो इंसान शरीक है वो तो है, लेकिन उस मजलिस में अगर मानवीयत है, अगर इखलास है, अगर पाकीज़गी है, पढ़ने वाले, सुनने वाले, मुनक़िद करने वालों की नीयतें अगर साफ और पाकीज़ा है, शराइत पर वो मजलिस पूरा उतरती है, तो अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त लेकर फरिश्ते जोर पर जोर उस मजलिस में वारिद होते हैं। तो फरमाते हैं हदीस में कि फरिश्ते अल्लाह की इजाजत से उस मजलिस में आते हैं और बैठते हैं, और जब मजलिस खत्म होती है उस वक्त तक फरिश्ते जो दर जो नाजिल होते रहते हैं और उस फजा में इस्तफादा करते रहते हैं, यहां तक कि जब मजलिस खत्म होती है, यहां से ये फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं, तो वो जो आखिरी फरिश्तों का गुरु है वो पूछता है तुम लोग जल्दी वापस क्यों आए, जवाब मिलता है कि मजलिस खत्म हो गई। वो फरिश्ते फिर भी आते हैं उस मजलिस की जगह पर और उस मजलिस की उस महल और इमाम बारगाह या वो मकाम जहां पर जिक्र हुसैन हो रहा है या हो चुका है, उसकी दीवारों से खुद को मस करते हैं और उसके बाद ऊपर चले जाते हैं। आप जरा देखें, ये कोई मामूली बात तो नहीं है, ये अफसाना नहीं है, ये कायनात की वो हकीकत है कि जिनको इंसान अगर इदराक कर सके, समझ सके और इसकी मारिफत हासिल कर सके तो उसकी दुनिया बदल जाए। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी जिंदगी के हर मरहले पर हमारे काम आते हैं, हर मरहले पर। आपने शायद सुना हो उस्ताद आयतुल्लाह शहीद मुताहरी, बहुत बड़ी शख्सियत है, फकीर भी थे, मुज्तहिद भी थे, डॉक्टर भी थे, मुअल्लिम भी थे, मुफक्किर भी थे, उनकी 100 से ज्यादा किताबें हैं। नक्शुल बलागा पर उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है 200-400 सफ़ों की, वहां पर वो एक जगह बयान करते हैं कि हमें
इतना मिली कि इस कुरान में एक आयतुल्ला है जो नजुलमदारा पर दस कहते हैं। तो मेरा मैं और मेरा दोस्त कुल से निकले ताकि हम पढ़ सके उनको और देख सके नजुलमदारा पर क्या दस कहते हैं। वहां पर गए तो वहां पर पता चला ये जो बुजुर्ग है ये मिर्जा अली आला शिराजी है, बहुत बड़े फकीर बहुत बड़े आरिफ। कह रहे जब हमने चंद दिन उनकी शागिर्दी की तो पता चला कि ये तो खुद चलते फिरते नजुलमदारा है, चलते फिरते मुझे समय है नजुलमदारा। कहते हैं उनके सामने बैठे हमें महसूस हुआ कि वाकई बहुत ऊंची शख्सियत है और किसी और दुनिया से इनकी अटैचमेंट है। एक दिन दस के लिए जब वो तशरीफ लाए तो उनके सामने बैठे हुए, जैसे वो तशरीफ फरमा हुए वैसे ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। हमने देखा परेशान हुए, कुछ देर हम फेरे उनके आंसू थमे तो पूछा कि आप क्या बात है आज आप रो रहे हैं। फरमाया हाँ रात मैंने ख्वाब देखा मैं मर गया हूं, मुझे मेरे अजीज व अकारिब ने नहला धुला के ले जाके कफन में लपेट कर कब्र में दफना दिया। जब मुझे दफनाकर मेरे अजीज व अकारिब वापस चले गए तो अचानक मैंने देखा मेरी कब्र के एक साइड की दीवार खुल गई और वहां से एक सफेद रंग का कुत्ता मेरी कब्र में दाखिल हुआ। जैसे ही वो कुत्ता दाखिल हुआ मैं घबरा गया, घबराने की वजह से मैंने बेसाख्ता कहा या हुसैन। इंसान जब घबराता है तो उस वही चीज उसकी जबान से निकलती है जो उसके दिल में होती है। बाद में आपने देखा होगा घर की तबीयत का असर है, बाद बच्चे गिरते हैं तो फौरन कहते हैं या अली, बाद बच्चे फौरन कहते हैं या अब्बास, बाद बच्चे फौरन कहते हैं या हुसैन। और बाद घरों के बच्चे जब गिरते हैं या कोई चोट लगती है अचानक तो उनकी जबान से जो निकलता है वो कोई गाली है। ये उस घर की तबीयत का असर है कि घर किस तरह का घर है, नजासतों से भरा हुआ घर है या नूरानियत से भरा हुआ घर है। इसलिए अपने घरों में इन चीजों का ख्याल रखें कि बच्चे किस तरह से परवान चढ़ते हैं, उनके अंदर कौन सी आदतें पुख्ता होती है, ये बड़े कर सकते हैं और बड़े ही करेंगे। कहने लगे मैंने बेसाख्ता कहा या हुसैन, जैसे ही मैंने कहा या हुसैन इमाम हुसैन ने साथ उस्मान मेरे कब्र में तशरीफ लाए, तशरीफ लाए मुझे देखा हाथ का इशारा किया कुत्ता मेरी कब्र से निकल गया। मैंने पूछा मौला हुसैन मैं आपका कुर्बान जाऊं, मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं आया, मैंने कोई हराम नहीं किया, मैंने कोई मकरूह नहीं अंजाम दिया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अल्लाह नाराज होता हो, तो फिर ये कुत्ता कहां से आया। याद रखे उखरवी अजाब हमारे अपने ही आमाल की माननी शक्ल है, मजहबी शक्ल है, जो हम यहां पर करते हैं वही मजहब में हमारे सामने आता है। कहीं पर आग की सूरत में, कहीं सांप की सूरत में, कहीं गड्ढे की सूरत में, कहीं कुत्ते की सूरत में, कहीं किसी और जानवर की सूरत में, कहीं शोरू की सूरत में, जो कुछ हमने यहां पर किया है वही वहां पर हमारे सामने आता है। कह रहे हैं मैंने अर्ज किया कि मैंने तो कोई खता नहीं की, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, ये कुत्ता कहां से आया। फरमाया एक दिन तुम अपने घर में लेटे हुए थे, जोरा चाह रहे थे, तुम्हारे बच्चों ने शोर मचा दिया, तुम्हारे चेहरे पे गजब और गुस्से के आसार नमूदार हुए, और जब तुम बाहर आए तो तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे चेहरे पर गजब देखकर वो डर गए, सहम गए, एक कोने में जाके दुबक के बैठ गए। वो जो ये जो कुत्ता है ये वही तुम्हारा गुस्सा था जो आज कब्र में तुम्हारे सामने आया। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक नीयत करता है तो वो नीयत भी उसी मिसाल ज़र्रतिन खैरन और शर्रन में शामिल है, लिहाजा वहां पर वो नीयत भी सामने आ जाता है। यहां पर एक लफ्ज बोलता है वहां पर सामने आ जाता है, यहां पर एक लफ्ज सुनता है और राजी होता है वहां पर सामने आ जाता है। इसलिए यहां पर अगर आपका दिल हुसैन की हिमायत और हुसैन पर ईमान से लबरेज है कि यही ईमान वहां पर आपके सामने है, और अगर यहां पर जर्रा बराबर भी दुनिया की तलब और हुसैन से जुदाई हो तो यही चीज वहां पर भी आपके सामने है। कह रहे कि मौला हुसैन ने फरमाया कि वो जो तुम्हारा गजब था जो उस एक मौके पर तुम्हारे चेहरे पर वो आसार नमूदार हुए थे वही गजब आज कुत्ते की शक्ल में तुम्हारे सामने आया। इमाम हुसैन वहां पर भी निजात दिलाते हैं, कब्र में भी, इस दुनिया में भी,
अभी आपने देखा होगा ये जो कोविड के अभियान थे, सारी दुनिया लॉक थी, लेकिन कर्बला लॉक नहीं था, भारत में भी और दुबई में भी, और लाखों इंसान गए हैं वहां पर, लाखों इंसानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की ज़ियारत किया है, लाखों इंसानों ने वहां पर तमाम तर अपने जज्बात का इजहार किया है, मतनदारी किया है, अजा बनाई है, रोए हैं, ज़ियारत के लिए गए हैं, वहां पर क्यों नहीं थे? ये एतकादी मसला, इसका मतलब मेडिकल का इनकार नहीं है, लेकिन मेडिकल ही सारी हकीकत नहीं है। बालुका वो जो मानवीयत है वो इन मादी चीजों पर हावी है, लिहाजा बालुका इंसान दवा पर एतबार करता है और बालुका दवा के साथ साथ दुआ पर। तो जहां दवा हो जरूरी नहीं है कि शिफा भी हो, लेकिन जहां शिफा हो वहां पर दवा न भी हो तो शिफा मिलती है। और हुसैन इब्ने अली वो है जिनका जिक्र भी शिफा है, जिनकी याद भी शिफा है, जिनकी मोहब्बत भी शिफा है, और जिनकी ज़ियारत भी शिफा है। सलावत भेजे मोहम्मद वालों, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। शहादत के दफ्तर खुले,
और अंसार हुसैन एक एक करके शहीद होना शुरू हो गए, फिर अहले बैत के जवान एक एक करके शहीद होना शुरू हुए, और असर आशूर हुसैन इब्ने अली और आपके असहाब सबके सब शहीद हो चुके। लेकिन इन शहादा की शहादत के बाद बात खत्म हो गई, ये पहुंच गए अपने रब की बारगाह। लेकिन जो असल इम्तिहान है वो उनका है जो इस शहादत के दिन के बाद उन्होंने बाकी अय्याम में तमाम मुसीबतों का सामना किया। वो कहते हैं ना कि करबला दर करबला मीम अगर ज़ैनब न बूत, अगर ज़ैनब न होती तो करबला को करबला ही न होता था। जहां हुसैन इब्ने अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया है, लेकिन वो एक दिन की कुर्बानी है, उसके बाद ज़ैनब और ज़ैनब के उस काफिले की जो कुर्बानी है वो अजीब है। यहां पर हुसैन इब्ने अली और उनके साथी हरम और सिर्फ आशूर के दिन एक दिन कत्ल हुए, लेकिन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके जितने भी साथी थे और काफिले के लोग थे वो एक एक दिन में कई कई दफा कत्ल होते थे फिर जिंदा होते थे, कई कई दफा जाने शहादत पोश करते थे फिर दोबारा जिंदा होते थे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इस्मत के घराने की बच्चियां, साहबाने इस्मत, वो शख्सियात जो गैरत खुदावंदी का मजहर है, वो शख्सियात जो इज्जत खुदा की अलामत है, जब उनके साथ वो सुलूक किया जाए जो यहूदियों और मसीहियों के साथ और वो भी कैदियों के साथ किया जाता है तो उनकी कैफियत क्या होनी चाहिए। इसलिए याद रखें कि सैयद साजिदीन, चूंकि ये अय्याम सैयद साजिदीन की शहादत के अय्याम भी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उनका भी तस्करा हो जाए कि सैयद साजिदीन ने इस काफिले के साथ जो दुख और दर्द के अय्याम गुजारे हैं वो किसी और ने नहीं गुजारे, किसी और ने। इसलिए कहा जाता है कि सैयद साजिदीन बाकी सारी जिंदगी खून के आंसू होते रहे, खून के आंसू। ये खून के आंसू होने का क्या मतलब है, यानी जब रोते तो आंखों से खून के कतरे टपकने लगते, ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं। मैंने कहीं और भी अर्ज किया था कि जब नजफ में आजमा और उजमा हकीम के पास कुछ लोग आए और अर्ज किया कि आप क्या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वाकई खून के आंसू रोए या मुबालगा है, तो उन्होंने अपना सर झुकाया, रोने लगे और जेब से रुमाल निकाला अपनी आंखों में रखा और बिलक बिलक कर रोते रहे, और उनको रोता हुआ देखकर बाकी लोग भी रोना शुरू कर दिया बाकी लोगों ने। और कुछ देर बाद जब आंसू थमे तो आपने अपनी जेब से अपनी आंखों से रुमाल हटाया और जमीन पर रखा, जैसे ही रखा उन्होंने देखा उस रुमाल में जगह जगह खून के धब्बे थे। जब खून के धब्बे देखे तो उन लोगों ने पूछा कि आहा ये आपके रुमाल पर खून के धब्बे हैं, आपको आंखों की कोई तकलीफ है? कहा नहीं। फिर क्या हुआ? कहा कि देखो मैं करबला में नहीं था, मैंने अपनी आंखों से ज़ैनब को बेरुदा होते हुए नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से सकीना को तमाचे खाते हुए नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से हुसैन के खेमे को जलते हुए नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से इन शहादा के बाद इन वारिसान शहादा को असीर होते नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से इन खवातीन को बाजार कूफा और शाम में असीर बनाकर ले जाते हुए नहीं देखा, लेकिन 1400 साल के बाद आज भी जब मैं सुनता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी आंखों से खून के कतरे गिरते हैं। अब जरा सोचो सैयद साजिदीन ने तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, जिस सैयद साजिदीन ने अपनी आंखों से ये सारा देखा हो वो अगर खून के आंसू न रोए तो क्या रोए, अगर उनकी आंखों से खून न गिरे तो फिर क्या तपके। मिनहाल इमाम सज्जाद के असहाब में से है, मदीना पहुंचे, इमाम की बारगाह में पहुंचे, देखा इमाम तशरीफ फरमा है, सामने एक तश्त है, तश्त में पानी है, पानी को देख रहे हैं और गिरिया फरमा रहे हैं, पानी को देख रहे हैं और गिरिया फरमा रहे हैं। देखा, देखकर कहा कि या रसूलल्लाह करबला के वादे को इतना लंबा अरसा हो गया और आप अब भी गिरिया फरमा रहे हैं, अब तो कम अज कम रोना खत्म कर दे। जैसे ये सुना सैयद साजिदीन ने सर उठाया, मिनहाल के चेहरे की तरफ देखा और फरमाया कि मिनहाल तुमने जफा किया है जो ये कहा, कैसे या रसूलल्लाह,
देखो हजरत याकूब का एक बेटा यूसुफ कुछ अरसे के लिए उनकी आंखों से ओझल हो गया था, लेकिन जिंदा था। ये नबी थे, लेकिन इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गई। उनका बेटा कत्ल नहीं हुआ था, उनके बेटे के ऊपर से उनके लाशे के ऊपर घोड़े दौड़ाए नहीं गए थे, लेकिन वो नबी इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मेरी आंखों के सामने 18 यूसुफ जबा किए गए, और सिर्फ जबा नहीं किए गए बल्कि उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, उनके जिस्मों के परखचे उड़ा दिए गए, उनके जिस्म का गोश्त पिघला दिया गया। तो मैं अगर खून के आंसू न रहूं तो क्या करूं? जैसे ये सुना अर्ज किया के बोला, क्या शहादत आपका विरसा नहीं है? जैसे ये जुमला सुना गैरत सज्जादिया एक दफा बोल पड़ी, फरमाया कि हाँ शहादत हमारा विरसा है, लेकिन तुमने फिर जुल्म किया। वो कैसे? वो ऐसे कि शहादत हमारा विरसा है, लेकिन अली की बेटियों को बाजारों में फिराया जाना भी हमारा विरसा है। क्या फातिमतुज़्ज़हरा की साहिबजादियों को कैदी बनाकर शाम और कूफा के बाजारों में फिराया जाना भी हमारा विरसा है? क्या ये जुल्म हमारा क्या आले मोहम्मद को इस तरह से उन मुसलमानों के बाजारों में फिराया जाए जहां पर किसी जमाने में यहूदी और ईसाई कलीसों को फिराया जाता था? जैसे ये सुना तड़पे, कहा के मौला जरा बताइए सबसे ज्यादा सख्त दिन कहां पर थे, सबसे सख्त दिन कहां पर थे? तो इमाम सज्जाद की जबान मुबारक से तीन दफा निकला, अश्याम अश्याम अश्याम। जैसे सुना शाम, फरमाया के अर्ज किया के मौला जरा बताइए वहां पर क्या हुआ था? फरमाया जब हमें शाम में दाखिल किया जा रहा था तो दरवाजे के बाहर शहर से बाहर हमें सातों तक कई घंटे वहां पर रोका गया। पता चला कि शहर को सजाया जा रहा है। जब हमें शहर में दाखिल किया गया तो कैफियत ऐसी थी कि औरतें शादियाने बजा रही थी, कैफियत ऐसी थी कि लोग छतों के ऊपर थे, कुछ लोग शादियाने बजा रहे थे, कुछ लोगों ने घर का कचरा जमा किया था, कुछ लोगों ने पत्थर जमा किए हुए थे, कुछ लोगों ने अंगारे जमा किए हुए थे। जब हमें दाखिल किया गया तो ऐलान किया गया कि हमने खवारिज को जमा किया है और लेके आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमीरुल्मोमिनीन पर खुरूज किया है, लिहाजा लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। लेकिन कैसे इस्तकबाल किया? कोई पत्थर फेंकता था, कोई उबला हुआ पानी फेंकता था, कोई घर का कचरा फेंकता था, लेकिन एक लईम ने यहां तक पहुंचा दिया कि उसने जलते हुए अंगारे हम पर फेंके। जब वो जलते हुए अंगारे हम पर गिरे, जरा फिलहाल तसव्वुर कर लो कि हमारे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। जब हाथ बंधे हुए हो और जिस्म पर अंगारे गिरकर जलाने लगे तो इंसान कैसे अपने आप को बचा सकता है? मैं तुम्हें एक और वाकया सुनाऊं कि सैयद साजिदीन बयान फरमाते हैं कि जब हमें शाम के बाजार में दाखिल किया गया तो एक बूढ़ा शामी करीब आया और उसने एक जुमला कहा। क्या कहा? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने अमीरुल मोमिनीन यजीद के दुश्मनों पर यजीद को फतह नसीब फरमाई। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने उस शख्स को बुलाया, वो करीब आया तो इमाम फरमाते हैं कि इमाम ने कहा कि ए शख्स, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? कहा कुरान पढ़ा है। कहा क्या तुमने कुरान की ये आयत पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहा हाँ पढ़ी है ये आयत। कहा ये आयत किसके बारे में है? कहा अहलल बैत के नबी के बारे में है। कहा कि हम ही तो वही अहलल बैत है, हम ही तो वही है। क्या तुमने पढ़ा है कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतु फिल कुर्बा, कुरान में आया है। कहा कि हाँ हमने पढ़ी है। कहा कि किसके बारे में है? कहा कि नबी के घर वालों के बारे में है। कहा ये जो खवातीन है ना, ये वही नबी की बेटियां है, ये यतीम बच्चे वही नबी की बेटियां है जिन पर इस वक्त यजीद ने यह जुल्म किया है। ऊंची आवाज़ से
अपने दोनों हाथ बुलंद कीजिए और बाला है रब्बुल इज्जत ने अपनी तमाम तरह आजाद को तसव्वुर करके याद करके अल्लाह से मांगिए दस्तक करो ऊंची आवाज से पुकारिए कि या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम या मुकल्लिब अल-कुलूब सब्बत कुलूबना अला दीन खुदाया हमारी इस अजीम आजादारी को अपनी अजीम बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा बारगाह हमारे कुलूब को अहलुल बैत की नूरानियत से मुनव्वर फरमा बारगाह हमें हुसैन शिरासी की तौफीक अता फरमा बारगाह हुसैन इब्न अली को हमारे कुलूब में जिंदा फरमा बारगाह हमें हुसैन के दम से जिंदगी अता फरमा हुसैन के साए में मौत अता फरमा बारगाह इमाम ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा हमें उनके आवाज अंसार में शुमार करना बाला इमाम ज़मान के सिपाहियों को मदद देने में हमें तौफीक अता फरमा बाला इमाम ज़मान के ज़ुहूर की राह में मौजूद रुकावटों को दूर करने की हमें तौफीक अता फरमा बाला हमें अपने बच्चों की अपनी ख्वातीन की अपने माशरे की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा बाला हमारी औलादों को हमारे बहन भाइयों को हमारे जवानों को हर तरह की गुमराही से हुसैन के सदके में निजात अता फरमा हमें हुसैन से वाबस्ता रहना नसीब फरमा बाला जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा जो लोग मुहताज है जरूरतमंद है और माशी हवाले से परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा उनकी रोजी में वुसअत और रिस्क में फरावानी अता फरमा बाला जो लोग बीमार है बुजुर्ग है छोटे हैं घरों में है अस्पतालों में है आईसीयू में है खुदाया उन तमाम मरीजों को शफाए आजल और कामिल अता फरमा बाला जिन घरों में बच्चे नहीं है औलादे नहीं है तुझे हजरत अली असगर का वास्ता उन वालिदैन को उन ज़ौजैन को औलाद सालेह और औलाद सालिम नसीब फरमा बाला जो लोग किसी भी परेशानी का शिकार है अपने अजीजों अकारिब से दूर है अपने घर वालों से दूर है बीवी बच्चों से वालिदैन से दूर है उन सबको आपस में जोड़ना नसीब फरमा उनको एक दूसरे से करीब फरमा बाला इस मुल्क में इस माशरे में तमाम तर आफात तमाम तर बलिया और तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला करने की हम सबको तौफीक अता फरमा बाला हमारे जवानों को ईमान अता फरमा हमारे जवानों के ईमान की हिफाजत फरमा हमारी आजादारियों को हमारे इत्तेहाद का जरिया और ईमान में फरोग का जरिया करार दे बाला इन आजादारियों के जरिए से हमारे कुलूब को तमाम तर नजासतों से और गुनाहों से पाक फरमा जिन अजीजों ने इन ईमान बारगाहों की मसाजिद की तामीर किया और दामे दिलबे सुहरे मदद करते हैं और हर रोज हर माह हर साल इन मराकज को आबाद करने की जिद्दोजहद करते हैं उन सबकी तमाम हाजात को कबूल फरमा उनकी मुश्किलात को दूर फरमा और उनकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमा बाला हमारे जवानों को हमारी ख्वातीन को हमारी बेटियों को इन मराकज से हमेशा वाबस्ता रहने और इन मराकज को हमेशा आबाद रखने की तौफीक अता फरमा रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंत समीउ अलीम तमाम मरहूमीन के इज़हार सवाब के लिए तमाम आलम बरज़ख़ में मौजूद मुहताजीन दुआ के इज़हार सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए और तमाम इन्हीं दुआओं की कबूलियत के लिए सब मिलकर ऊंची आवाज से वाजिब फरज के साथ तीन बार सवाब दीजिए मोहम्मद अल्लाह।